नमस्कार, हिंदुस्तान भर से बीटीएस न्यूज के देखने वालों का बीटीएस चैनल में स्वागत है। आइए देखते हैं आज के समाचार। कार, मैं हूं आपका शुभचिंतक दिनेश कुमार। पल पल का खबर जानने के लिए देखते रहिए बीटीएस न्यूज। बीटीएस न्यूज में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। इस समय खड़े हैं बिहार के मधेपुरा जिला गम्हरिया प्रखंड मुख्यालय के अंतर्गत ग्राम पिपराही में वार्ड नंबर 3 में। इस वार्ड नंबर 3 की तस्वीर से मैं यहाँ के रोड देखिए, आने जाने में ये जो अभी देख सकते हैं कितने गाड़ी को निकलने में कितनी परेशानी हो रही है। मुख्यमंत्री योजना मनरेगा योजना प्रधानमंत्री योजना, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, मुख्यमंत्री योजना मनरेगा योजना प्रधानमंत्री योजना, तीनों योजना के माध्यम से इस पांच वर्ष में यह सड़क वार्ड नंबर 3 पिपराही में नहीं बन सका है। देख सकते हैं कैमरे की मदद से, एक बार इधर कैमरामैन दिखाइएगा। और ये रोड ये सड़क कहां तक जाता है भैया, कहाँ तक सड़क जाता है? यहाँ से तरहा तक, और यहाँ से तरहा तक जाता है। तो ये कहाँ से ये सोलिंग शुरुआत होता है? पिपराही से शुरुआत होता है और तरहा तक जाता है। यहाँ से तरहा क्या किलोमीटर है? 1 किलोमीटर है। तो इस पंचवर्षीय में भी आपके मुखिया जी कौन है? पप्पू यादव। तो ये पप्पू यादव के कार्य 5 साल जो कार्यकाल है, तो किसी भी योजना किसी भी फंड से या सड़क 4 किलोमीटर का नहीं बन पाया, लगभग 4 किलोमीटर का नहीं बन पाया, यही ना आप लोग कहना चाहते हैं? और तस्वीर भी यही बता रही है ना। क्या भाई, अरे बोलते कहीं नहीं, लड्डू है का? आप नहीं देख रहे हैं, नहीं बना। अरे आप जनता है ना, आप बोलिएगा कि हम बोलेंगे, आपको बोलना होगा। क्या माँ जी, आप लोग खुश हैं? इस ये पक्की सड़क होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। हाँ माँ जी, होना होना चाहिए। देखो देखो देखो, 80 बरस का बुढ़िया बूढ़ी माता का क्या हाल चाल है? देखिए जवान बेटा का इसका बोलने मुँह में बोली है नहीं। देखिए होना चाहिए ना, पक्की सड़क होना चाहिए ना। देखिए पक्की सड़क आप लोग चलिएगा, नहीं ना। क्या नाम है ये तोर, क्या नाम है? काली देवी। काली देवी नाम है, अच्छा उनका नाम है काली देवी। और कुछ बोलना चाहते हैं आप लोग? रोड बनना चाहिए कि नहीं, सड़क बनना चाहिए कि नहीं? उनका नाम है काली देवी। और कुछ बोलना चाहते हैं आप लोग? रोड बनना चाहिए कि नहीं, सड़क बनना चाहिए कि नहीं? बनना चाहिए ना, बनना चाहिए। अच्छा माँ जी, आपका क्या नाम है? नाम बताना, नाम बताने की छे। उर्मिला देवी, घर घर की पढ़ाई वार्ड नंबर 3। और सबको इसी से क्या कहा आप लोग? तो सड़क बनना चाहिए ना, हाथ उठाइए एक बार, सबको हाथ उठाइए एक बार, सड़क सड़क बनना चाहिए ना। अच्छा आप लोगों का मुखिया कौन है? पप्पू यादव। तो देख लिए ये पप्पू यादव 5 साल राज किए इस पिपराही, कौन पंचायत है भैया? दुलार पिपराही। दुलार पिपराही पंचायत में 5 साल राज किए, ना ही मनरेगा से या सड़क बनवा पाए, ना ही मुख्यमंत्री योजना से, ना ही प्रधानमंत्री योजना से। मुख्यमंत्री से पास है, लंबा सड़क है, और किसी भी योजना से ये मुखिया जी नाकाम रहे बनवाने में। इनके 5 साल के कार्यकाल, 5 साल के दरमियान दरमियान में यह अनुमति किया है। तो क्या बोल रहे हैं, कुछ बोलना चाहते हैं आप? बोलिए, क्या बोलेंगे? 5 साल के दरमियान में क्या बोल रहे थे? सोलिंग मरम्मति किया हुआ है और मुख्यमंत्री योजना से पास है। पास है? हाँ। धरातल पर है कि पास की कागज में पास है? कागज में पास है, धरातल पर नहीं ना। धरातल पर होगा या नहीं होगा हम क्या जानेंगे? आप देखे थे जाकर के पास? हाँ, है कि नहीं? वहाँ कर्मचारी के पास हम गए थे। अच्छा, तो क्या कहते हैं, सियाराम शाह के घर से लेकर NH तक का ही पास किया हुआ, पास किया हुआ है। अच्छा, तो आप मैंने साइन मोहर दे करके वहाँ से आए, लेकर के आए? उतना हमको पावर था कि साइन मोहर हम दे करके आते। अच्छा ठीक है, तो आपको जो आप क्या नाम बोले आप अपना नाम? सुनील कुमार यादव। तो भाई साहब के थोड़ा सा कहना मान लेते हैं कि भाई साहब
देखे होंगे कागज पत्र ठीक है। हाँ, देखे लेकिन 5 साल में क्या आपका ये पक्कीकरण हो सका? नहीं, पीच हो सका? नहीं, होना चाहिए ना। माल माल कागज पे होना चाहिए कि समाज में होना चाहिए? माल सड़क पे बिछाना चाहिए। है देखिए, माल सड़क पर नहीं ना बिछा। नहीं, पास हो गया तो फंड का पैसा किसके पास चला गया? आप ही बोलिए, ऊपर वाले के पास चला गया, बट गया ना सिस्टम में। अब बता कि नहीं बता हम क्या जानेंगे, बता कि नहीं बता कि ऑफिस में है। अच्छा ठीक है, तो सुन लिए भाई साहब का कहना है कि सिस्टम पास है माने या योजना पास है, लेकिन 5 साल हो गया लेकिन योजना धरातल पर नहीं उतर सका। कैमरामैन के साथ मैं दिनेश कुमार, जय हिंद। नहीं आया कुछ। कितने रोज से आप लोग बेघर हैं यहाँ? आज तक 8 रोज हो गए। 8 रोज हो गए। 8 रोज से। खाना उना आप लोग कैसे बना रहे हैं जी? अब देखो ईंटा जोड़ी हो तो सो हुआ होता, ना होता जब भूखे बैठे हो हम सब, या भूखा बैठे हो। और यहाँ पर जो है प्रतिनिधि के नाम से कोई नहीं आया यहाँ पर? मुखिया सरपंच कोई भी नहीं आया? नहीं, कोई भी नहीं आया। कोई नहीं आया? कोई नहीं। सरपंच कहाँ घर हुआ आपका? चंदन मिर्चा सिरे गोपालपुर, पंचायत सिरे गोपालपुर। कट रहा, नहीं कोई सुनवा आ रहा, नहीं कोई प्रशासन आ रहा, नहीं कुछ भी आ रहा। हम लोग कंप्लेन कर कर के हार गए, कोई सुन ही नहीं रहा। ये मिर्चा का चंदन मिर्चा पोस्ट बकोड़ का कोई सुनवाई नहीं आ रहा, इसका कुछ आ ही नहीं रहा। अब हम लोग को देखिए अब क्या हाल है, से बसने के लिए नहीं है, कुछ भी नहीं है। सरकार की तरफ से कोई राहत नहीं मिली? कुछ भी राहत नहीं, कुछ भी नहीं, पर नहीं सरकारी कोई आदमी नहीं आया, कोई प्रशासन के आदमी कोई पूछने वाला है ही नहीं थे क्या हो रहा है तुम लोग को हो रहा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हिजबुल रहमान। कहाँ घर हुआ? चंदेल मिर्चा। व्यवस्था कराएंगे ठीक है, जो जहाँ जो क्षतिपूर्ति है ना उसका हम लोग कोशिश करेंगे सबको मिले। ठीक है। कितना परिवार का ये हुआ है ना? गोपालपुर सिरे पंचायत का जो मिर्चा गांव है वहां वार्ड नंबर 18 में हम लोग दौरा किए हैं। वहां भीषण कटाव है और लगभग 25-30 परिवार का घर पूरी तरह से पानी में विलीन हो चुका है और समस्याएं बड़ी है। समय रहते अगर प्रशासन वहां समुचित कदम नहीं उठाया तो स्थिति बहुत भयावह हो सकती है। वहां हमने आज वहीं से स्थानीय प्रशासन जो CO साहब हैं और लोगों से बात करके और समस्या बताया और उन्होंने आश्वासन दिया है कि समय रहते मतलब जल्द ही समस्या का समाधान करेंगे। अगर समय रहते समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम लोग फिर अपने स्तर से इस पर आगे बढ़ेंगे। और क्या नाम है आपका सर? परवेज नैयर, पूर्व जिला पार्षद। इसी के साथ ही ये समाचार समाप्त होते हैं। दुआ और उम्मीद यही कि आप जहां कहीं भी हो जिंदगी मजे और सुकून से गुजर रही हो। इन्हीं दुआओं के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। देखते रहिए BTS News। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।